वेलकम टू पिरामिड क्लासेस समस्त को स्वागत करबी ए जो चैनल ठीक अछि। हां जो माने भी लाइव आसी गेल समस्त के शेयर कर दियो। तुम जानिथो राती 9 टा रे प्रत्येक दिन हमर डिस्कशन करूछु आईआरबी ओएससीबी ऑल ओडिसा फाउंडेशन बैच पे हम क्वालिटी डिस्कशन करूछु प्रत्येक 9 टा तुम लोग सब तरह डिस्कशन होछि। आज डे 10 हमें पढ़िबा एतरे आज हमें टॉपिक टा लेजे इमरजेंसी प्रोविजन आ पूर्व सब हम करि चारछि जेंति प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पंचायत राज म्युनिसिपैलिटी सब टॉपिक वाइज डिस्कशन 9टा क्लास हम कर सारले नि तमने प्लेलिस्ट को जाई गिरी आराम से सब क्लास को गोटे गोटे कर देखि परबो ठीक अछि। तो जो माने चैनल को आसी गेलनी समस्त के सब्सक्राइब कर दियो। ओके जो माने चैनल को समस्त आसी गेलनी समस्त के सब्सक्राइब करि गिरी बेल आइकन को हिट कर दियो। तमनकर ऑलरेडी जदी पूर्व क्लास बडा शो करियो ता सहित आगु किछि एग्जाम नोटिफिकेशन हो किबा आगु तुमरे दे एग्जाम पई आमे क्लासेस करू छु सीरीज करू छु मैराथन क्लासेस करू छु तो से तमनको आगु सुखियो ठीक अछि। तो समस्त क्लिक कर दे ता छडा आउ गोटे पिला बड़ा अनाउंसमेंट तमानकर ऑलरेडी पिरामिड क्लासेस तरफ रु संकल्प 2024 बैच स्टार्ट हे छी बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बाय हला ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दीटा को स्टार्ट हे छी 9090660256 नंबर कॉल कर तो डायरेक्ट क्लासेस रे जॉइन करबो नहीं तो पिरामिड क्लासेस रे डिसीजन तळे आ डिसीजन तळे वीडियो रन अछि एप्लीकेशन लिंक अछि तो एप्लीकेशन लिंक क्लिक कर क्लिक करके तुम समस्त क्लास रे जॉइन हे छी ठीक अछि। ता छडा ओडिसा पुलिस रो जते प्रकार एग्जाम होछि पिला मन समान कर जेमि कि आईआरबी ओएसएपी फायरमैन एसएफएस एसआई एफसी सब प्रकार एग्जाम एबे अपकमिंग होछि सेति पर हम ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर सकछु। तो सेम थी तमे 9770406070 नंबर को कॉल करके तमे क्लासेस रे जॉइन हो पाए 9770406070 नंबर को कॉल करी तमे डायरेक्ट क्लासेस रे जॉइन हो पाइबो ठीक अछि। एबे से इमरजेंसी प्रोविजन जो क्वेश्चन तमन पर आनी छि बहुत सहज क्वेश्चन अछि तमन पर चुटकलिया क्वेश्चन अछि जोडा कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पूरा। तो नबा देखियो प्रथम क्वेश्चन को जीवा में नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार पचारछी जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति केते दिन पत लागे वन्स ट्वाइस थ्राइस ना फोर टाइम्स केते टाइम लागि सछि वर्तमान सुधा जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति भारत केते समय लागि सछि वन्स ट्वाइस और थ्राइस हरे लागि छि ना दिथो लागि छि ना तीनथो लागि छि ना चारथो लागि छि बहुत सहज प्रश्न तमन पाइ यस बहुत बढ़िया केते ना तीनि थरा लाग छै छी त एक नंबर आंसर कोन हे जो माने ना सी हे जो छी एक नंबर आंसर। ओके हां तीनि थरा लाग छै छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर द ईच स्टेट हैज बीन मेड अंडर कंटीजेंसी फंड प्रोविजन ऑफ कंटीजेंसी फंड एज वेल एज द ईच स्टेट कहां अंडर है ना केते नंबर आर्टिकल अंडर में तैयार है प्रोविजन केते नंबर आर्टिकल अंडर प्रोविजन दा हे छी कोन जाई छी आर्टिकल 270 ना पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन आर्टिकल 267 ना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का अनुसार हे छि त मन कर दिछि ऑप्शन आ जानि छै कंटीजेंसी फंड आ उठाय कोन कॉन्स्टिट्यूशनल फंड आ कंटीजेंसी फंड दीटा फंड जानि छै हम समझते जो आर्थिक दान करै छै सहायता करै छै सरकार को हम टका टका नहु बेसी नै कोन संचय करै कि विपद बेला हमको दिया दे नै हम समझ जानि छै। तो सेटा केतो नंबर आर्टिकल अंडर अछि भी कह जाय छै हां न्यायदी 2 नंबर ए हबो आर्टिकल 270 अनुसार क्लियर करै प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया आज होला टेस्ट स्टेट इमरजेंसी। ओके स्टेट कॉन्टीजेंसी तो आर्टिकल 270 अनुसार एटा को कर दिया जाय छै। ओके 3 नंबर प्रश्न को जीवा दे छी ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केबे फाइनेंशियल क्राइसिस बेले हमर प्रेसिडेंट केबे डिक्लेअर करथले इमरजेंसी भी पचास केतो फाइनेंशियल क्राइसिस पडिथले प्रेसिडेंट डिक्लेअर करथले पचास नॉट इवन वन्स वर्तमान सुधा केबे लागू हे नाही इन 1962 ना 1971 ना 1991 समस्त जानि छथि ए क्वेश्चन आंसर समस्त 3 नंबर क्वेश्चन नंबर आंसर छि वर्तमान सुधा भारत रे आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति लागी नाही बेले हम समस्त जानि छि हां वेरी बहुत बढ़िया। तो नॉट इवन वन्स वर्तमान सुधा लागी नाही तो राइट आंसर कोन हे जाउछि त 3 नंबर ए हे जाउछि राइट आंसर। ओके 3 नंबर ए 4 नंबर को जीवा द ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी जी फाइनेंशियल इमरजेंसी रे ड्यूरेशन केते पचास पिला माने केते दिन पर्यंत लागी थाए जदि फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत रे लागिबो त लागी थाए ताले केते दिन पर्यंत मैक्सिमम लागि परबो त ड्यूरेशन रे पचास आ द फर्स्ट इंस्टेंस 1 मंथ प्रथम इंस्टेंस रे गोटे मास पर्यंत ना द फर्स्ट इंस्टेंस 2 मंथ ना 2 मास पर्यंत ना द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ 6 मंथ ना 1 ईयर को राइट आंसर बना यस न्याय की केते ना 6 मास पई लागिवो पुनी ता पर पुनी कोन दियो ना रिव्यू करा छबो आउ थरे रिव्यू करिक एक्सटेंड कर दिया छबो नै त बंद कर दिया छबो आ समझ जान छै एटा केते मास पई ना 6 मास पई त ड्यूरेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी केते रहै ड्यूरेशन ना 6 मंथ रहै 4 नंबर सी हे गेला राइट आंसर। ओके त
ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଆସିଗଲେଣି କ୍ଲାସେସ କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜଏନ୍ କଲେ ପିରାମିଡ୍ କ୍ଲାସେସ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେ ତ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ହିଟ୍ କର ଆଉ କ୍ଲାସ କୁ ସେୟାର କର ସମସ୍ତେ ହଁ କ୍ୱିକ୍ ସେୟାର କର ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ରୁଲ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ଫର୍ ଦ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ରୁଲ୍ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ରୁଲ୍ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରିଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତ ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ପଚରା ଯାଇଛି ଏଠି ଫର୍ ଦ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିଦିଆଯାଏ ତାପରେ ପୁଣି ରିଭିଜନ୍ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ରିନ୍ୟୁ କରାଯିବ ଥ୍ରୀ ମନ୍ଥ ସିକ୍ସ ମନ୍ଥ ଟିଲ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିସ୍ ଅନୁସାରେ ଥାଏ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବେ ନାଇଁ ନାଇଁ କଦାପି ନୁହେଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଟିଲ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଲାଗିକି ରହିବ ହଁ ୟେସ୍ ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ବେସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଓକେ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ରୁଲ୍ ଲାଗୁ ରହୁଥିବ ବା ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ଓକେ ତ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସି ହେଇଗଲା ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଲ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆର୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଟୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଥାର୍ଟି ଟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ ନାଇଣ୍ଟି ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଥାର୍ଟି ଟୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ କାହିଁକିନା କ'ଣ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରିମେଡ଼ି ଯେହେତୁ ତୁମେ କହୁଛ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯାହା କହୁଛ ଓକେ ସେ ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଇଏ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ ଏହା ଅଲ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆର୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ନାଇଁ 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 ସବୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ କେବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଆମର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ବା କାଟି ଦିଆଯିବ ଦୁଇ ଦିନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆର୍ଟିକିଲ୍ କୋଡ଼ିଏ ଆଉ ଏକୋଇଶ ଓକେ କୋଡ଼ିଏ ଆଉ ଏକୋଇଶକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର କେବେ କାଟି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଓକେ ତାପରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହେବ ହେଉଛି ଆରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଟେନସନ୍ ଏଇଟା ଅଛି ତୁମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଓକେ ତ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବାକି ସବୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଓକେ ତାମାନେ ଅଲ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ କିନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ ଛାଡ଼ି ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିସାରିଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓକେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଛଅ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା କ'ଣ ଏଇଠି ନା ବି ହେଇଗଲା ଛଅ ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଓକେ ସେଭେନ୍ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ଡ ଇନ୍ ହୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗେ କେମିତି ଲାଗେ ଇନ୍ ହୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆଗ୍ରେସନ୍ ହାଜ୍ ଟେକନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଏନି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ନା ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ଏନି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ସେଭେନ୍ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ କହିବାର ତ ସି ସି କ'ଣ ଜି ଏନି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ନାଇଁ ଏନି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଲାଗିପାରିବ ଏନି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ହୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ହଁ ହୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଲାଗିପାରିବ ବଟ୍ ଅର୍ ଏନି ପାର୍ଟ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଲାଗିବ ଆଉ ଏନି ପାର୍ଟରେ ଲାଗିପାରିବ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଏନି ପାର୍ଟ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟ ଲାଗିପାରିବ କିମ୍ବା ଟୋଟାଲ୍ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଲାଗିଦେଇପାରିବ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଡି ଓକେ ସାତ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମମାନଙ୍କର ହଁ ଡି ଡି ଓକେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଦ ରିଭୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେ ବି ମୁଭ୍ଡ ବାଏ ଓକେ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିଭୋକେସନ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମୁଭ୍ଡ ବାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଆଠ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଟେନ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦି ରାଜ୍ୟସଭା ନା ଟେନ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ନା ଟେନ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ନା ୱାନ୍ ଟେନ୍ଥ ଟୋଟାଲ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଦ ଲୋକସଭା ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ ନାଇନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ନମ୍ବର ବହୁତ ଇଜି ଅଛି କେତେ ନା ଏକ ଦଶାଂଶ ୱାନ୍ ଟେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଦି ଲୋକସଭା ୱାନ୍ ଟେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ଟୋଟାଲ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଲୋକସଭା ହେଲେ କ'ଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମୁଭ୍ କରିଦିଆଯିବ ଓକେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ'ଣ କରିଦେଇଯିବ ମୁଭ୍ କରିଦେବ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେବ ଯଦି ନ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ଟିପି ନିଅ ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପସିବିଲିଟିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ ତୁମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଓକେ ଆଠ ନମ୍ବର ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଡି ନଅ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ବାଇ ଦ ୟୁନିଅନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ୱିଥିନ୍ ଯଦି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ବା ଲାଗୁ କରନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କଲେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତାହେଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ସଂସଦ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ଟୁ ମନ୍ଥ ସିକ୍ସ ମନ୍ଥ ନା ୱାନ୍ ଇୟର୍ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ଟୁ ମନ୍ଥ ସିକ୍ସ ମନ୍ଥ ନା ୱାନ୍ ଇୟର୍ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନାଇନ୍ଥ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ୱାନ୍ ମନ୍ଥରେ ନ ନ ନ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ତ କଦାପି ହେବନି ତୁମେ କାଢି ଦେଇପାରିବ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିବ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଧରି ରଖିବ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଛଅ ମାସ ବି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁ କେବଳ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ କ'ଣ ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଛନ୍ତି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି
তাহলে দুই মাসের ভিতরে পার্লামেন্ট তাকে আপ্রুভ করিয়াকু বাধ্য। ওকে, তো রাইট অ্যানসার হয়ে যাচ্ছে এটি 9 নম্বর বি। যিবা 10 নম্বর কোশ্চেন কো যিবা, ইন হুইচ ইয়ার ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ওয়াজ পাসড। আমি সমজ জানি ফার্স্ট কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট কেবে পাস করা হয়েছিল পত্রে যে 10 নম্বর, তুমি জানি দিব বহুল মাত্রার ফান্ডামেন্টাল রাইট রে আমার যেতে কই আর্টিকেল থিলা তাদু কিছু চেঞ্জেস হইছিল সেইতে সেই অ্যামেন্ডমেন্ট সেই অ্যামেন্ডমেন্ট 1951 52 53 47 কোন হবো 51 52 53 47 কোন হবো ডেট মানে বকি দিবি 10th মে রে হইছিল পিলা মানে 10th মে 10th মে রে হইছিল 10th মে রে হইছিল খ বহুত গুড়ে ফান্ডামেন্টাল রাইট কো চেঞ্জেস কর দিয়া যাইছিল রিমুভ কর দিয়া যাইছিল यस 1951 10th मे 1951 रे कोन हिला ना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया जाय 10th मे। ओके 10th मे ओके फंडा रिलेटेड किछ कोन चेंज कर दे समस्त मन को 10 नंबर आंसर कोन हिला ना ए बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिला तमन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 कु जबा ता पूर्व तमन पे बड़ा अनाउंसमेंट पिला माने जे तुमरो जो फॉरेस्ट गार्ड बैच आ लाइफ स्टॉक आ तुमरो सॉइल कंजर्वेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हि जाय छि ओनली 9998 जुलाई तो ओनली 9998 तोर बैच स्टार्ट हि सर छि मात्र 999 प्राइस अछि पिरामिड क्लासेस रो डिसीजन पिरामिड क्लासेस रो डिसीजन अछि एप्लीकेशन ली नहीं तो 9777-0406 नंबर को कॉल करी तुम माने डायरेक्ट जॉइन हि पाइबो 9777-0406-07 नंबर को कॉल करी ए बैच रे क्लास कर पाइबो। ओके जीवा 11th नंबर क्वेश्चन को जीवा हमें परवर्ती प्रश्न को जीवा नंबर क्वेश्चन कौन पूछ देखो व्हिच इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर अंडर आर्टिकल 352 हमें जान छे तीनटा इमरजेंसी अछि बोली समझ जान छे तो आर्टिकल 352 अनुसार कोवा इमरजेंसी लागि नेशनल स्टेट फाइनेंशियल एंड ऑफ देव नेशनल प्रथमटा कोन हबो यस सहज क्वेश्चन नंबर भाई यस नेशनल इमरजेंसी लागि 352 रे ओके ए बहुत सॉर्ट लाग को सिबि टाइम नि जरता ओके 11 नंबर ए रिजो सब जान छे एटा नय तीनटा इमरजेंसी 52 56 52 56 60 नेक्स्ट देखो ता ऊपर भी क्वेश्चन अच्छी है तो मान लो अरे इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी डिक्लेयर ओनली ड्यूरिंग जदि नेशनल इमरजेंसी लागू छि पिलाए जदि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 अनुसार लागू छि ताले केतो बळे लागे को समय रे लागे वॉर एक्सटर्नल एग्रेसन और इंटरनल डिस्टरबेंस जेतो युद्धकालीन परिस्थिति किबा बाहर देश सहित हमर पाटी तो नहला किबा भीतर थिबार देश राज्य जेति पाटी तो वॉर एक्सटर्नल एग्रेसन और आर्म रिवोल्यूशन तो जानथिबो कौन जो मैं सैनिक अच्छे से रिवेलियन है ना फेल्युअर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इन द स्टेट ना फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री फाइनेंशियल बोले तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी जीव तो लाख कटि दियो बे कौन राइट आंसर यस जदि जदि संवैधानिक मशीनरी किछ स्टेट रे फेल हैला ताहाले कोन करिय दिबो ना जातीय जरूरी काइन परिस्थिति लागू करिय दिबो दैट इज द आंसर होछ तो गोस टू द फेल्युअर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन पर्सनल मशीनरी इन द स्टेट्स। ओके राइट आंसर होत तमन सर 12 नंबर इट इज सी बेस्ट वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तमन राइट राइट आंसर दे चली छ परवर्ती क्वेश्चन को जीवा द फाइनल अथॉरिटी टू मेक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्ट विद इन द अच्छा फाइनल प्रोक्लेमेशन किए दिए पिला मान जदि इमरजेंसी लागियो फाइनल प्रोक्लेमेशन किए दबो त माने किए दबो अधिकार प्राइम मिनिस्टर देबे ना प्रेसिडेंट देबे ना यूनियन पार्लियामेंट देबे ना यूनियन काउंसिल को मिनिस्टर यूनियन काउंसिल को मिनिस्टर एडवर्ड लोक थारो तो ये काई मुड़ पड़ी होजे तमको प्राइम मिनिस्टर तो देबे नी रेकमेंड करि पांति किंतु ए दिरे दे ऑप्शन थिबो यूनियन पार्लियामेंट ना प्रेसिडेंट कोन हो राइट आंसर यस बा बहुत बढ़िया प्रेसिडेंट इज द फाइनल अथॉरिटी नो दैट प्रेसिडेंट इज द फाइनल अथॉरिटी तो राइट आंसर तमरो 13 नंबर कोन ही होछि ना बी जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहउछि द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिवोल्यूशन एक्सटर्नल एग्रेसन वॉर ऑल द मेंशन रीजन प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी केते बळे लागी थाय एही कथा एबे टिके बुलेई कि पचारते त माने कोने टिके बुलेई कि पचराइत एबे आंसर दिया न्याय दी आर्म्ड रिवोल्यूशन ह एक्सटर्नल एग्रेसन ह वॉर ह त आंसर कोन ह आंसर होजे ह नु आंसर होजे डी ऑल द मेंशन रीजंस सब जो मेंशन आइ जे सब जगह में नेशनल इमरजेंसी लागि पारे। ओके यस 14 नंबर कोन हे होछि त 14 नंबर डी होछि त मान कर राइट आंसर 14 नंबर कोन डी होछि राइट आंसर जीवा 15 नंबर क्वेश्चन को जीवा व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द इमरजेंसी प्रोविजन केते नंबर पर्यंत इमरजेंसी अछि त मान कर प्रोविजन इमरजेंसी प्रोविजन
आर्टिकल 352 to 360 ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज टिके बाहर क्वेश्चन आसी टी तुम मन इम्प्लाइज राइट टू वोट ऑल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज केते नंबर को अनुसार तुम कौन तुम जो कहते कौन वोट दबार अधिकार एडल्ट फ्रांचाइज कहे वोट दब कौन रेसीडेंस ऑफ द स्टेट एडल्ट रेसीडेंस ऑफ द स्टेट एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द स्टेट एडल्ट मेल सिटीजन मेल को फीमेल को करिवे मेल के एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द स्टेट एडल्ट रेसीडेंस ऑफ द स्टेट जो मन रेसिडेंट अच्छा दिसो नंबर नहीं खाली को रेसिडेंट है समझ नहीं पाई रेसिडेंस ऑफ द स्टेट नाइन रेसिडेंस ऑफ द स्टेट नो अदर सिटीजंस जते अदर सिटीजंस अस्ति समस्त पुकर वोट दबार कोन अधिकार अछि दैट इज द यूनिवर्सल अदर फ्रांचाइज दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अदर फ्रांचाइज द राइट आंसर कोन होछि ना सी इज जो तमन को 16 नंबर सी होछि राइट आंसर ने तमन तो नेहि वोट रही सारी बणी ने खडमन वोट थापा मारि के आसुथिबो तमन को भारत नागरिक रही सारी छ ओके जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पढ़ हु एम्पावर टू डिक्लेअर नेशनल इमरजेंसी बहुत सहज प्रश्न है हु एम्पावर द नेशनल इमरजेंसी के बावनो अंडर आर्टिकल 352 आर्टिकल 352 अनुसार मुझे तुम्हारा नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेअर कर दिया पर कहां पावर है पार्लियामेंट ना प्राइम मिनिस्टर ना ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगे भाई कहार अछि क्विक कहार अछि न्यायदी जानि थिबो समस्त कहार ना प्रेसिडेंट कर ही अधिकार अछि ने यस तार 7 नंबर आंसर कोन हो छि हां 7 नंबर आंसर कोन हो छि ना प्रेसिडेंट कर बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी आंसर दे दे छ हम जल्दी जल्दी जीबा बहुत बढ़िया जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन को on which of the on which of the president cannot be declared national emergency anko bitu ko uta ko president declare karanti nahi cannot declare war external attack threat to the internal peace na armed rebellion ebe tikhe purbur dekhi dile war ta declare karanti external attack bi karuchanti armed rebellion threat to internal peace shanti pratishtha bele kai lagibe ha to 8 number 8 number kon heuchi na c threat in threat to the internal peace bele kon ki nahi declare to 18 number c he jauchi okay ye proclamation of emergency must be placed before the parliament for its approval acha emergency lagiya purpuru approval pai kete din samay aithae parliament na approval pai which are with 1 month 2 month 6 month na 1 year 1 year lagile ta desha vasi ji bole bilai ne हाँ वन इयर लगे दस मास जीव सिक्स मंथ तो बहुत ही मतलब लगे ने देख आंसर दिए कौन हो देखी न्याय दी आंसर एक मास भितर पिला गोटे मस भितर ही अप्रूव करने को बाध्य है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते तो राइट आंसर 19 नंबर के ना ए हूँ राइट आंसर तुम 20 नंबर को जी ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल बाकी क्वेश्चन ही टफ क्वेश्चन पिल तमन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल को टर्म केते थाए कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड कर दिया छी कोनी कैन नॉट कैन बी एक्सटेंडेड टिल द इमरजेंसी लास्ट जे पद इमरजेंसी लागि छी से पद तो एक्सटेंड कर दिया छी ना कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर ओनली केवल एक वर्ष पाई ना कैन बी एक्सटेंडेड टिल द इमरजेंसी लास्ट बट ओनली 1 ईयर एट ए टाइम कोन हो राइट आंसर जानि थी तमन आंसर तो बेस वेरी द डी हो राइट आंसर आमे कौन एक्सटेंड करिबा लास्ट पर्यंत किंतु प्रति वर्ष को थरे रिव्यू करके एक्सटेंड करिबा 1 ईयर ओनली ओनली बाय 1 ईयर एट ए टाइम तले एक्सटेंड करथिबा किंतु वर्ष को थरे वर्ष वर्ष ताको कौन रिव्यू कला परे जाईकि को करिबे ना एक्सटेंड करिबे तो राइट आंसर 20 नंबर डी हि जाउची ता पई हां आमे नेक्स्ट देखिया बहुत बड़ा भलो कथा ने पिला मान तमन पई कहिबी फॉरेस्ट गार्ड सहित तुमन कर
soil conservation and livestock ର ବି ବ୍ୟାଚେସ୍ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଓନଲି 399 ରେ ତମେ 9770406607 ନମ୍ବର କୁ କଲ କରି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଚେସ୍ ରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ପାରିବ ଓକେ ନାଇଟ ପିରାମିଡ କ୍ଲାସ ର ଆପ୍ଲିକେସନ ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି ତା ଦେବି ତମେ ଜଏନ୍ ହେଇ ପାରିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା who said the emergency power of the presidents a fraud with the constitution ଭାଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆକୁ ତମେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କି ରଖ ଷ୍ଟାର ମାର୍କି ରଖ ପୁରା ଚୁକେଲିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଟା ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ 21 ନମ୍ବରଟା पचार द इमरजेन्सी पावर अफ दि प्रेसीडेट इज फ्रड विथ कन्स्टिट्यूशन किए कहता कवि कैन मुनिशी भाई कन्स्टिट्यूशन ये तो कहें राव एडवाइजर अफ दि इंडियन कन्स्टिट्यूशन ना एडवाइजर अफ दि इंडियन कन्स्टिट्यूशन ये तो कहे एचके मुनि राव ये तो पार्लियामेंट्रे तुम कन्स्टिट्यूशन में थे यही महाशय जन किए कैन नमीबा ये ही द इमरजेन्सी पावर अफ दि प्रेसीडेट इज फ्रड विथ द कन्स्टिट्यूशन इमरजेन्सी पावर ऑफ फ्रॉड बिल कहि दे एही महाशय जन तो राइट आंसर तुम्हारा कर कोन फैक्चुअल क्वेश्चन ही आकु माने रख समझ दे फैक्चुअल क्वेश्चन 21 नंबर सी 22 नंबर को जीवा हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू समन और प्रोरोग बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू समन और प्रोरोग बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कहा समन करिवार और प्रोरोग करिवार अधिकार छ पार्लियामेंट रे एटा भी पार्लियामेंट क्वेश्चन अछि कहा पाखरे पावर अच्छे 22 नंबर कह न्याय जे समझ जाए से महामहिम जे भारत प्रथम नागरिक सी हम प्रेसीडेट जे कि पार्लियामेंट पशिक हाउस को फ्लोर आई तो समन भी कर जानव कौन स्थगित कर गृह मुलतवी गृह स्थगित करदे ना तो टोटल गृह को भांगी दे ओके अनिर्दिष्ट काल पर्यटन करदे पारे तो 22 नंबर तुम्हारे तेईस नंबर देख ए फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय द अप्लाई के तो नंबर आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी को है नेशनल इमरजेंसी कह दे 352 तो इतना नहीं देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी लास्ट इमरजेंसी था 52 56 60 तो लास्ट के हैला ना 23 नंबर यस राइट आंसर कौन हो ना ए 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी केते 52 4 56 4 60 ओके 52 होची तुम्हारो नेशनल इमरजेंसी 52 4 56 कहले तुम स्टेट इमरजेंसी बा प्रेसिडेंशियल रूल कहले कहो आ 60 कहले फाइनेंशियल इमरजेंसी तो राइट आंसर होची केते 23 नंबर ए जेबा 24 नंबर को जेबा हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसीज हैज हैव बीन एनविसेज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी टाइम्स इमरजेंसी लागी सरची एनविसेज द कॉन्स्टिट्यूशन हां एटा कोइ सकिले बिना कोनो डिफीट हेला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर यस राइट आंसर है सम कोइ सकिले तुम्हारा को 24 नंबर केते नहीं इन हाउ मेनी टाइम्स इमरजेंसी हैज बीन एनविसेज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केते टाइम ना दीथर तीनथर लागी सरची कोइ सकिले छोड़ दे अब छोड़ दे की रिपीट है तुम्हारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड इमरजेंसी बड़े कहार ना स्टेट इमरजेंसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मान कर एक्सटेंड करिवो किए प्रेसिडेंट गवर्नर ना पार्लियामेंट ना स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव तो मुंडो बुले भी पिला माने ने गवर्नर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट इते भारी कंफ्यूजन होतो तो माने कर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सही पे ही ओके स्टेट लेजिस्लेटिव इमरजेंसी पर यदि ड्यूरिंग द चेंज एक्सटेंड कर दियो ताको केवल जणा करि परिबो समस्या में किए 25 नंबर किए हो यस केवल पार्लियामेंट रो अधिकार ही अछि कारण इमरजेंसी स्टेट ला हिसाब थी ना तो पार्लियामेंट ही करियो डिस्कशन करके ओके तो 26 25 नंबर सी हेला 26 नंबर प्रश्न को जीवा हमें 26 नंबर प्रश्न कहउछि व्हेन द गवर्नर और स्टेट डाइज इन ऑफिस हु टेक्स ओवर एन एक्टिव गवर्नर यदि गवर्नर ऑफ द स्टेट गवर्नर स्टेट गवर्नर यदि यदि अकाल मृत्यु घटला तब ताको जगह किए कोन एक्टिंग गवर्नर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट ना एनी वन डेजिग्नेटेड बाय द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जहाँ चाहे तक रखी देते नहीं गिले ये तो बुरी कथा ना गवर्नर ऑफ द नेबरिंग स्टेट पाख मैंने ओडिशा गवर्नर टाइप मरी गले डेथ हो गले वेस्ट बेंगल आसबे ये तो भूल कथा टोटल आम जानचे प्रेसिडेंट नथिले वाइस प्रेसिडेंट करती एक्टिंग भाग वाइस प्रेसिडेंट नथिले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्जाक्टली सेम हियर कौन ना जदि गवर्नर जान दियारी बा डेथ हो जाए ताले तार कौन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट आसिकी गवर्नर जगह एक्टिंग गवर्नर ऑफ द स्टेट रहता है ओके बाकी रहिला आउ चारटा प्रश्न त मानकर 27 नंबर प्रश्न को जीवा हां डस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर किछ कहि छथि कि अछि किमिति किछ जम्मा नै हमर निजे बा कॉन्स्टिट्यूशन पाके थिले के मुनिस पाके मु बसथिली मे सार बहुत कहि देले मे त माने बसथु त हो जेतबे ड्राफ्टिंग कमिटी बसथिला बा कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी बसथिला सेतबे काम थिले कि हम त नथिले
ହଉ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଲି କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନୋ ନା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗେ ନା ଲାଗେ ସବୁ ଭୁଲ ପିଲାମାନେ ସତେଇଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ବି ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଲି କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅନୁସାରେ ଓକେ ହଁ ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିବ ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ଓକେ ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଆମର ଦ ଫଲୋଇଂ ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ବା କିଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବ ତମ ଗୋଟେ ଥିଲା ସାନ୍ ମ୍ୟାରିନୋ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଏ ୱାର୍ଡଟା ଶୁଣିଥିବ ସାନ୍ ମ୍ୟାରିନୋ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାନ୍ ମ୍ୟାରିନୋ କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ପରେ ତାର ପ୍ରୋଭିଜନ ସବୁ ଯାକ ଆଡ୍ କରିକି ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଭାରତୀୟ ସରି ଭାରତୀୟ କହିଲାଣି କ'ଣ କ'ଣ ରିଟେନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଲିଖିତ ଭାବେ ସମ୍ବିଧାନଟି ଅଛି ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସାନ୍ ମ୍ୟାରିନୋ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ଥିଲା ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଥିବ ମନେ ରଖିଥିଲା ମାନେ ୟୁଏସ୍ ପରେ ତା ପ୍ରୋଭିଜନ ସବୁ ଆଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 କୁ ଯିବା ଇଫ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦି ଲୋକସଭା ଆବସେଣ୍ଟ ହିମସେଲ୍ଫ ଫର୍ ଏ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଡେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ଲୋକସଭାରେ ଓଦାଉଟ୍ ଦ ପରମିସନ୍ କୌଣସି ବିନା ପରମିସନ୍ ଯଦି ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ହି ୱିଲ୍ ବି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ କରାଯିବ 30 days 45 ନା 60 ନା 90 କ'ଣ ହବ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ହଁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଆନ୍ସର୍ ତମମାନେ ତ କହିସାରିବଣି ବା ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ କେତେ ନା 60 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆଲି ଯଦି ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ୍ର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଠାରୁ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଲା 60 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ତାକୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦିଆଯିବ ବା ତା ପଦବୀରୁ ତାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଦେନ୍ ଆମେ ମୁଭ୍ ଟୁ ଦ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେବା ହ୍ୱେର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବି ପଚରାଯାଇନି କେଉଁ କେତେବେଳେ ପଚରାଯାଇଛି କେତେବେଳେ ବି ପଚରାଯାଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଥିଲା କେବେ 1951, 1962, 1963 ତମେ ଜାଣିଥିବ ପଞ୍ଜାବରେ ଲାଗିଥିଲା ବି କେଉଁଠି ନା ପଞ୍ଜାବରେ ଲାଗିଥିଲା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ସରି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର 30 କୋଶିକି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ କିଏ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲ 30 by 40 ଲେଖିବନି 30 by 15 ଲେଖିବୁ 15 by 30 ଲେଖିବୁ ପିଲା ଭାରି ଓଲଟା ପଲଟା ବହୁତ ଭାରି ମୁଁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଟି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିବି ତମମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ଆଉ ପର କ୍ଲାସ୍ଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଛି 10 class ମୁଁ କରିସାରିଲି ତମମାନଙ୍କର ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଜି ତମର ଥିଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ 10 class କରିସାରିଲି 10 class ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ଆ ପର ଟପିକ୍ଟା ତମର ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବି ଓକେ ତା ସହିତ ତମମାନଙ୍କର ଆଜିର 30 questionରୁ କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ଏବେ ତା ସହିତ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ସେଇ କଥା ଯେ ପିରାମିଡ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ତରଫରୁ ତୁମର ଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଚେସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି ତୁମର ତାପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ସଏଲ୍ କନଜରଭେସନ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ବୋଥ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି ତୁମେ 9090-9065 ନମ୍ବର କଲ୍ କରିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ ପିରାମିଡ୍ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବ କେଉଁଠି କେଉଁଠିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୁହେଁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପିଲା ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି ନୟାପୁରରେ ଦେଖା କରିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଓକେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ତ ଆର୍ PDF ତମମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମହାପ୍ୟାକ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି ଏ କ୍ଲାସେସ୍ର PDF ଆନ୍ସର୍ ସହିତ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍ ସହିତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ତମମାନେ ପିରାମିଡ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତଳେ ଅଛି ତମର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଏଠି ତମମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି କ'ଣ ନା ବାର୍ କୋଡ଼୍ ଅଛି ସ୍କାନ୍ କରିକି ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଆର PDF ଆକାରରେ ତମକୁ ମିଳିଯିବ ଓକେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ 23 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଟିକେ ଏଠି ଗଲତ ଅଛି ଓକେ ଏଇଟା ଦେଖିନେବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ଆଉ ପର କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ କରିବି ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଓକେ